दोस्तों, जब आप किसी भी इमेज को कॉपी करके एमएस वर्ड पर पेस्ट करते हैं तो वो आसानी से पेस्ट हो जाती है। वहीं अगर आप किसी इमेज को एक्सेल पर पेस्ट करें तो नहीं होगा, यानी कि एक्सेल पर किसी भी इमेज को पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि एक्सेल की फाइल पर किसी भी इमेज को कैसे पेस्ट करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। अभी हम इस फाइल को मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए, इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद उसी एक्सेल की फाइल को मैक्सिमाइज कर लेना है। अब यहाँ पर कंट्रोल वी को प्रेस करते हैं तो देखिए इमेज पेस्ट नहीं हुई। तो दोस्तों, अब एक्सेल पर अगर कोई इमेज, फोटो या पिक्चर लाना हो तो देखिए मेन्यू बार के इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस यहाँ पर देखिए इंसर्ट पिक्चर का विंडो ओपन हुआ। अब यहाँ से किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पर है, इसीलिए हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं। अब इधर देखिए इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर देखिए हमारी पिक्चर आ चुकी है। इसी तरह एक्सेल पर किसी भी इमेज, फोटो या पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, इंसर्ट पिक्चर का विंडो बिना माउस के ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड में Alt प्लस N प्लस P, यानी कि Alt को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट N और P को प्रेस करिए। Alt N P को प्रेस करने पर देखिए इंसर्ट पिक्चर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप किसी भी फोटो को बड़ी ही आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एक्सेल पर पिक्चर कैसे लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।